पर जो रहे आपके साथ होती है हमारी ऐसी ही बात यूपी 100 न्यूज टीवी। चुनावी पेशकश में अभी तक हमने बात की विधानसभा की भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक इतिहास, बड़े मुद्दे, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री प्रवासी मजदूर योजना की। किंतु हम आज बात कर रहे हैं कोरोना काल के उस समय की, जब लोगों ने अपनों को खोया। कोरोना काल के मैनेजमेंट को लेकर सरकार कहती है कि उसने मुफ्त राशन बांटा, दिहाड़ी मजदूरों को 1,000 रुपए अकाउंट में ट्रांसफर की, मजदूरों के लिए बसें चलाई। लेकिन उसी के दूसरी तरफ विपक्ष आरोप लगाता है कि लोगों को पैदल चलना पड़ा था, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं थी, लोगों को समय पर इलाज नहीं मिला। इलाज न मिलने की वे तस्वीरें आपके दिमाग में होंगी, इससे आप कितना सहमत है? क्या सरकार वास्तव में जो मैनेजमेंट करना चाहती थी वो कर पाई या नहीं? इसके लिए आज हम बात करेंगे स्थानीय लोगों से। के मैनेजमेंट को लेकर सरकार कहती है कि उन्होंने मुफ्त राशन बांटा, दिहाड़ी मजदूरों को 1,000 रुपए दिए, उससे कितना संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल नहीं है। कोरोना काल में लोग पैदल घर आने को मजबूर थे, लेकिन सरकार कह रही है कि हमने बसें चलाई। कुछ नहीं चलाया है। कोरोना काल के ऑक्सीजन को लेकर सरकार का दावा है कि ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था थी और कोई मौतें नहीं हुई हैं। कौन कहता है पूरी ऑक्सीजन की पूरी मात्रा वहां तक पहुंचाई गई? गलत है, कोई ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी। गमी 2022 के विधानसभा चुनाव में वोट डालने से पहले क्या तस्वीरें आपके दिमाग में आएंगी? सपा के मैनेजमेंट को लेकर सरकार कहती है कि उसने मुफ्त राशन बांटा, दिहाड़ी मजदूरों के अकाउंट में 1,000 रुपए बांटे हैं, मुफ्त बसें भी चलाई, उससे आप कितना संतुष्ट हैं? बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं। दूसरी ओर विपक्ष आरोप भी लगा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान कोरोना काल में लोग पैदल घर चलने को मजबूर थे, सरकार ने उनके लिए बसें नहीं भेजी। गलत आरोप लगा रहा है, उन्हीं के रिश्तेदार राशन लेके आराम से मजे काट रहे हैं। हमने भी देखा कि लोग पैदल आने को मजबूर थे। जो पैदल आने को मजबूर थे वो किसी न किसी समस्या के कारण था, सरकार के कारण नहीं। अस्पतालों में ऑक्सीजन बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं थे, जिस कारण कई लोगों की जान गई, लेकिन सरकार संसद में बता रही है कि कोरोना काल में एक भी मौत नहीं हुई है। नहीं, मौतें तो हुई हैं, लेकिन किसी कारणवश, जैसे जो हॉस्पिटल से दूर रहे, समय पर न पहुंच पाए, उनकी हुई है। कमी के कारण नहीं। आगामी 2022 के चुनाव में वोट डालने से पहले क्या चीजें आपके मन में आएंगी? सिर्फ और सिर्फ बीजेपी, इतना किया है तो बीजेपी ही आने। धन्यवाद। कोरोना काल के मैनेजमेंट को लेकर सरकार कह रही है कि हमने मुफ्त राशन बांटा, दिहाड़ी मजदूरों को 1,000 रुपए दिए, आप उससे कितना संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट किया, जो कह रही है वो किया है। विपक्ष आरोप भी लगा रहा है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं थी, सरकार के मैनेजमेंट अच्छे नहीं थे। अरे, विपक्ष का तो काम ही है उंगली उठाना, ठीक है, वो तो सबको दिख ही रहा है। संतुष्ट हैं आप? भैया, हम तो संतुष्ट हैं। धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस प्रकार लोग कोरोना काल में सरकार द्वारा दिए जा रहे राशन से तो संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कोरोना मैनेजमेंट के नाम पर लोगों के मन में अब भी रोष भरा हुआ है। ये थी जनता के मन की बात।